उज्जैन जिले के घटिया तहसील के ग्राम बड़ोदिया ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीण जनों को दूर से पानी लाना पड़ता था और गर्मी में परेशानी आती थी। ग्रामीण जनों ने उसी को लेकर लिखित में शिकायत की थी, जिसके बाद फिर मौका मुआयना कर अब ग्राम पंचायत क्षेत्र में नल जल योजना के तहत पाइपलाइन डालने का काम शुरू हो गया है। जो समय सीमा पूर्ण हो जाएगा, इस नल जल योजना के तहत होने वाले काम का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण जनों को घर पर नल लगाकर पाइपलाइन डालकर घर घर आसानी से पानी मिल सके, उसी को लेकर नल जल योजना के तहत होने वाले कार्य का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पंचायत है और किस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं और किस प्रकार से क्या है? अभी 15 वित्त के अंतर्गत हम टाइड राशि की जो है हमको राशि मिली है, उस राशि से ग्राम में नल जल योजना का निर्माण कर रहे हैं, जिससे लोगों को पेयजल हेतु स्वच्छ पेयजल मिल सके और घर घर हम उनको नल जल योजना का लाभ दे सकें। इससे ग्रामीण जन के पानी की समस्या सब समाप्त हो जाएगी। पहले क्या दिक्कत आती थी, क्या समस्या होती थी? पहले पानी ट्यूबवेल चलते थे, हेडपम्प बंद हो जाते थे गर्मी के कारण, पानी लेवल नीचे चले जाता था, इसीलिए ये परेशानी आती थी। अब परेशानी दूर हो जाएगी। ये कौन सी ग्राम पंचायत है और किस प्रकार से कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं और क्या इनके फायदे होंगे? ये ग्राम पंचायत पान बड़ोदिया और ग्राम नई खेड़ी और श्रीमती कौशल्या चैन सिंह सरपंच है और इस क्षेत्र में इतना बढ़िया विकास कराया है और मतलब जिले में ये कि प्रथम पंचायत के अनुमान मतलब ला चुके हैं इसको। अच्छा। और सभी जनता खुश है, सभी विकास कोई कार्य सभी पूर्ण हो चुके हैं, बाकी कोई बचा ही नहीं है कि कोई समस्या। पहले क्या दिक्कत आती थी पानी की? और अब क्या कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब अज्ञातवास में पड़ी थी ये पंचायत। अच्छा, अज्ञातवास में अब पानी की समस्या का निदान, पानी का समस्या दुनिया की समस्या का निदान घर बैठे ही हो गया, जनता का कोई समस्या बाकी नहीं रही। इस पंचायत में आप इंक्वायरी कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।